तो भाई सबसे पहले तो आई होप आप ठीक होंगे। तो भाई मैं आप लोग फीफा की वीडियोस लेके आता हूँ, तो एक और आपके एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आज आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि मेरे साथ एक बंदा टीम अप कर रहा था, मैंने मैं रैंक लगाया और एक बीमा शक्ति की जगह पर छुप गया। ऐसे लगे मैं कोई कुछ करेगा नहीं और मैं स्किप करके यूट्यूब चला रहा था, तो मैं बाद में देखा कि मेरे साथ एक बंदा टीम अप कर रहा है, तो फिर मैंने भी उस पर टीम अप किया। तो भाई वीडियो को इन्जॉय करो। तो भाई मैं जोन चेक करने के लिए अपना मैं गेम खोला, तो देखा मेरे सामने बंदा है, तो फिर मैं तुरंत स्क्रीन रिकॉर्डर चालू किया और यहाँ से वीडियो बनाना चालू कर दिया। मैं सोचा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो इस वीडियो को भी डालूंगा। तो फिर अभी तो बंदा कुछ कर नहीं रहा था, इसके पहले तो मैं इमोट मारा था इसके सामने, वो वाला तो रिकॉर्ड है नहीं मेरे को। तो भाई अब थोड़ा सा मैं आपको आगे का दिखाता हूँ क्लिप। फिर उस दे बात उठा मेरे को कि अपना ये ड्रॉप मंगवाएगा, तो मैं भी इसके पीछे पीछे गया कि ये भी ड्रॉप मंगवाएगा, तो फिर मैं भी उधरी तरफ मंगवाऊंगा। तो मैं सोचता कि ये यहीं पर ड्रॉप मंगवा लेगा, एक काम कर तो मैं कहीं और जाकर ड्रॉप मंगवाता हूँ। तो फिर तब तक नीचे उतर गया था, फिर मैं भी इसके दौड़ते दौड़ते पीछे किया और अपना यहीं पे अपना ड्रॉप छोड़ दिया। तो मैं दौड़ते दौड़ते उसको ढूंढने गया, तो देखा कि वो यहाँ था ही नहीं। फिर मुझे बीमा शक्ति में मिलता है, मतलब इधर ही तरफ, मतलब ड्रॉपों पे ध्यान नहीं दिया, फिर उसको पीछे तरफ देखा, फिर मैं उसका पीछा किया। Now I remember everything. तो भाई यहाँ पे मेरे को लगा कि मेरे को बंदा तो मार देगा, पर मेरे को मारा नहीं। वो अभी तक मेरे साथ टीम अप करता रहा और मैं मेरा इंस्ट्रक्शन पैक डाउनलोड नहीं था, तो मैं भी कुछ पहना नहीं था, मतलब पहना था ये सब बनया नहीं। तो वो बंदा अपना हेल्थ बढ़ाया, तो फिर मैं भी यहाँ पे कुछ घर वाला में ढूंढा कि कुछ मेडिकेट वेडिकेट मिल जाएगा या फिर गन वन। तो फिर यहाँ पे मेरे को M60 मिला यहाँ पे, फिर यहाँ से मैं M60 ले लिया। फिर हम दोनों अपने सफर पे निकले। Long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless. Time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out. तो भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बगल वाले बेल आइकन को दबा लो और लाइक ठोक दो एक छोटा सा। तो भैया हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, देखते हैं कि कोई बंदा ना मिल जाए। तो आसपास एक तो कार घूमते रहता है, तो सोचते हैं कि वो कार वाला कहीं आके हम ही लोग को मत मार दे। पर भाई ये टीम अब एकदम अच्छा कर रहा था। तो फिर एक बंदे को मारने के लिए बाहर जाता है, बंदा मेरे ऊपर नेट डालता है, तो मैं भी उसके चंगुल से बच जाता हूँ। मैं उसको ढूंढने के लिए बाहर तरफ जाता हूँ, मेरे को लगता है कि वो बंदा मर जाता है पर जिंदा रहता है वो। तो मैं भी वो बंदे को उधर मारने के लिए मैं भी जाता हूँ दूसरे बंदे को। तो फिर जोन स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं जोन के लिए हम दोनों भागते हैं। मैं उस बंदे का कुछ लूट भी नहीं कर पाता हूँ, मेरे को लगता है कि मेरा टीममेट मर जाता है पर वो मेरे पीछे ही रहता है और मेरा डाटा भी स्लो चलते रहता है यहाँ पे। और आगे चल के हम लोग और ही बंदे मिलते हैं।
फिर मेरे पास तो कुछ हेल्थ वेल्थ था नहीं, मेरे को लगा कि ये मेरे को मेडिकेट भी नहीं देगा, पर ये शरीफ इंसान था, सच्चा इंसान था, पर इसने मुझे मेडिकेट दिया। उसी टाइम मैंने अपना फिर हेल्थ बढ़ाया। बंदा पर अच्छा था, मेरे को लगा कि ये मेरे को धोखा दे देगा, मार के अकेले ले लेगा, पर रैंक में भी टीम अप किया मेरे पर भरोसा करके, मैं भी इसको भरोसा किया। तो फिर हम लोग को सामने एक लूट बॉक्स मिलता है, तो हम लोग वहाँ पे लूट करते हैं, तो एक वेस्ट मिलता है, तो मेरा शर्म बच जाता है कि मुझे, मैं बनियान पहनके घूम रहा था, मेरे को कुछ तो मिला, तो मेरी इज्जत बच जाती है। फिर मैं दौड़ते हुए जाता हूँ उसी के पीछे पीछे, तो वहाँ पे एक बंदा शॉर्ट गन लेके मारने के लिए तैयार रहता है, तो फिर मैं उसको ढूंढता हूँ कहाँ गया कहाँ गया, तो फिर मैं अंदर घुसता हूँ। फिर अभी हम लोग का बैड लक चालू नहीं रहता है, मैं सोचा यहाँ पे पीछे उसको अटैक कर देता हूँ। मैं सोचा कि मैं, ये भाई इतना मेरा साथ दिया तो मैं उसको क्यों मारूँ। फिर मैंने थोड़ी देर रुका, तभी मैंने थोड़ा टीम अप किया, फिर मैं उसके पीछे पीछे गया बाहर तरफ, तो बाहर तरफ एक बंदा था, पर मेरे को हम लोग को पता नहीं था, तो मेरे को भी एक एक दो किल चाहिए था, तो मैं भी बाहर जाने के लिए किया, क्योंकि मैंने जीरो किल किया था। जैसे मेरे को फायरिंग होता है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं बच जाऊँगा, पर मैं जोन की वजह से और कोई बंदा मेरे को अलग से मारा था, तो मैं मर जाता हूँ, फिर वो उसको पूरा किल कर लेता है, फिर वो भी मर जाता है जोन में। तो भाई ये था हम लोग का टीम अप का वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भेजिए। ओके बाय बाय, और लव स्टोरी पार्ट 5 आने वाला है जल्द से जल्द।